अंदर अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो बहुत ही टफ लीगल एक्शंस आपके ऊपर लिए जा सकते हैं, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपको परमानेंट बहरीन के अंदर एंट्री बैन भी की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक मजे में। आई एम बैक विद एन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और जो लेटेस्ट न्यूज है उसको मैं लेके आ चुका हूँ। विजिट वीजा वालों के बारे में कुछ अपडेट करना चाहता हूँ। इस तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया, आप देख सकते हैं कि जो विजिट वीजा वाले हैं वो अपने आप को लीगल रखें और विजिट वीजे वाला कहीं काम नहीं कर सकता। ये बराए मेहरबानी आप सब लोगों से एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है, जो विजिट वीजे वाले हैं वो काम नहीं कर सकते, उनको काम करने की इजाज़त नहीं है बहरीन के अंदर। अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो बहुत ही टफ लीगल एक्शंस आपके ऊपर लिए जा सकते हैं, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपको परमानेंट बहरीन के अंदर एंट्री बैन भी की जा सकती है। सो काइंडली ये सबके लिए इल्तिजा है कि जो विजिट वीजे वाले हैं, चाहे वो 3 महीने वाला है, 1 महीने वाला, 1 साल का, 6 महीने का, आप लोग काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, जिस तरह जो 1 महीने वाले हैं उनकी एक्सटेंशन होती हैं, 1 महीने की 3 महीने वाली, तो वो अपनी एक्सटेंशन भी अपने टाइम पर कराएं, जो फाइन्स हैं वो सब क्लियर करके रखें। काइंडली मेहरबानी है, जितने भी बहन भाई एक्सपैट्स जो बहरीन के अंदर रह रहे हैं, जो विजिट वीजे पे आए हैं, वो अपने आप को लीगल रखें, अपना स्टेटस बिल्कुल लीगल रखें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि अपने आप को लीगल रखें, अपना स्टेटस लीगल रखें। जो विजिट वीजे वाले हैं वो अपनी एक्सटेंशन टाइम पर कराएं, लेट ना करें, क्योंकि लेट करेंगे फाइन्स डबल हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको परमानेंटली बहरीन में काम ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और भी बहुत लीगल एक्शंस होते हैं जो लिए जा सकते हैं। दूसरा ये कि जो विजिट वीजे वाले हैं वो काम नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जो भी दोस्त है बाबू, विजिट वीजे वालों को अलाउ नहीं है बहरीन के अंदर काम करना। सो काइंडली, चाहे वो 1 महीने वाला है, 3 महीने वाले, विजिट वीजे वाले है, 6 वाले या साल वाले है, आपको काम करना अलाउ नहीं है, ठीक है। और दूसरा दोबारा दोहरा दूं कि एक्सटेंशन टाइम पर जरूर कीजिएगा, जिस तरह के देख सकते हैं अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और बहरीन के अंदर रेगुलर चेकिंग भी हो रही है, हर जगह पर चेकिंग हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही हैं, LMRA वाले कर रहे हैं, पासपोर्ट इमिग्रेशन वाले कर रहे हैं, साथ में मिनिस्टर इलाके की जो पुलिस होती है वो भी साथ में होती है। जो लोगों का स्टेटस नहीं होता, विजिट वीजे वाले काम करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लेते हैं, जेल भी हो सकती है, फाइन भी देना पड़ेगा, बहुत टफ एक्शन है। तो फिर से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि जो विजिट वीजे वाले हैं अपना स्टेटस लीगल रखें और बराए मेहरबानी आप कहीं काम मत कीजिए। अगर आपको काम करना है तो अपने वीजे को वर्क वीजा में चेंज करिए। सो होपफुली आप लोग तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के अंदर भी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।